आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें ड्रॉ करना है एक सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल बतानी है और उसके इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स भी ड्रॉ करने हैं, ये बताते हुए कि जो हमारे दो डायोड्स हैं एक फुल वेव रेक्टिफायर में, उनका फंक्शन क्या है। तो ये आंसर करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमें फुल वेव रेक्टिफायर बोला है, इसमें रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है। तो द टर्म रेक्टिफायर मीन्स टू कन्वर्ट एसी इनपुट सिग्नल इनटू डीसी आउटपुट सिग्नल। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि रेक्टिफायर हमारा वो टर्म हम तब यूज करते हैं जब हमें अपना ऑल्टरनेटिंग करंट में है जो इनपुट सिग्नल, उसको हमें डीसी डायरेक्ट करंट आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो अब हम सबसे पहले तो सर्किट बनाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। ये होता है हमारा इनपुट, ये होती है हमारी प्राइमरी कॉइल ऑफ अ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, और ये होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, जिसका एक एंड हमारा एक डायोड से होता है, पीएन जंक्शन डायोड से, इसको हमने D1 बोल दिया। और जो हमारा डायोड का जो एंड है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है, ये हमारा बीच में होता है क्या पैरेलल में, लोड रेजिस्टेंस, तो इससे कनेक्ट होता है। और दूसरा एंड है जो हमारा सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल का, वो हमारा डायोड D2 से कनेक्टेड है, किससे, D2 से, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, यहाँ से हम हमारे इनपुट सिग्नल को इनपुट करते हैं। तो इनपुट सिग्नल का हमारा वेव क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा हमारा AC वेव, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग वाला वेव इनपुट करते हैं, तो ये कुछ हमारा ऐसे होगा, ठीक है। आउटपुट वेव हम अभी फॉर्म करेंगे, हमने सपोज इसके एंड्स मान लिए A, B, ये हो गया C और ये हो गया हमारे पास D, ये हमारा है ही लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ये थी हमारी सेकेंडरी कॉइल, ये हमारे दो डायोड हो गए D1 D2, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये AC वेव हो गया जो हम इनपुट करेंगे। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। तो हमने AC वेव अपना इनपुट किया, इसमें पहले हमारे में क्या है पॉजिटिव, तो पहले हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमारा एंड A है ये हमारा पॉजिटिव होता है और B एंड नेगेटिव होता है। इस यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होती है हमारी, जिसकी वजह से C एंड हमारा पॉजिटिव होता है और D एंड नेगेटिव होता है। C एंड पॉजिटिव होने की वजह से जो हमारा डायोड D1 है ये किस पे होता है, फॉरवर्ड बायस पे, और जो हमारा डायोड D2 है ये होता है किस पे, रिवर्स बायस पे, जिस वजह से हमारा जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो करता है, बट किसकी वजह से करता है, डायोड D1 की वजह से। तो हमारा जो आउटपुट वेव होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये है हमारा D1 डायोड की वजह से फॉर्म हुआ। अब हम आते हैं हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल पे, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा एंड जो A होगा वो माइनस होगा और B क्या होगा, प्लस। फिर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो हमारा C एंड होगा वो माइनस होगा और D हमारा प्लस होगा, ठीक है। अब D प्लस होने की वजह से जो हमारा डायोड D2 है ये किस पे आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस पे,
और जो हमारा डायोड D1 है ये आ जाएगा किस पे, रिवर्स बायस पे। तो इस सर्किट में हमारा करंट फिर फ्लो करेगा, बट इस बार हमारा करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, डायोड D2 की वजह से। तो हमारी आउटपुट वेव ऐसे फॉर्म होगी कुछ, ये किसकी वजह से है, डायोड D2। फिर हम आते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोबारा, तो ये हमें एंड ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बी फिर से नेगेटिव, फिर म्यूचुअल इंडक्शन होगी, सी एंड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और डी नेगेटिव। फिर डायोड D1 हमारा पॉजिटिव बाइस पे आ जाएगा और डायोड D2 हमारा रिवर्स बाइस पे आ जाएगा। सर्किट में फिर करंट फ्लो होगा डायोड D1 की वजह से और हमारी आउटपुट वेव हमें मिलेगी D1 की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल पे अपनी, फिर से ए एंड नेगेटिव होगा, बी एंड पॉजिटिव होगा, जिस म्यूचुअल इंडक्शन होगी जिस वजह से सी नेगेटिव होगा और डी पॉजिटिव होगा। डी पॉजिटिव होने की वजह से जो हमारा डायोड D2 है वो फॉरवर्ड बाइस पे आ जाएगा दोबारा और D1 है जो वो रिवर्स बाइस पे आ जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल फिर से ऑप्टेन होगा वो हमें किस वजह से मिलेगा, D2 वजह से। तो ये था हमारा क्या, आउटपुट वेव फॉर्म और D1 और D2 के फंक्शंस, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जो इसकी वर्किंग है वो लिख लेते हैं। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड सी इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव इन सेकेंडरी कॉइल। दस अ करेंट फ्लोज इन सर्किट ड्यू टू डायोड D1 एज इट इज इन फॉरवर्ड बाइस एंड नो करेंट फ्लोज ड्यू टू डायोड D2 एज इट इज इन रिवर्स बाइस। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल की वर्किंग। अब हम लिखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। इन नेगेटिव हाफ साइकिल एंड ए इज नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड सी इज नेगेटिव एंड डी इज पॉजिटिव हेंस करेंट फ्लोज इन सर्किट ड्यू टू डायोड D2 as it is in forward bias and no current flows in flows in circuit due to D1 as it is in reverse bias। तो ये हो गई हमारी वर्किंग एक फुल वेव रेक्टिफायर की। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।